कि हमरा दहिया से दहिया सटावो ना, हमके काटा देखा के डेरवावो ना, कि जो निचोड़ है से टेजवा पर फन के, तो नाचो नाता अनाचो नाता ले जाइब टांगी के, इबारात हमे रानी पंडितान के, अनाचो नाता ले जाइब टांग के, इबारात हमे रानी बाबूवान के, कि जब मुस्की मारेलू करे जा हमरो काढ़ेलू, आको नखी से देखेलू तो मन बिगाड़ेलू, कि तार सूरत मन ललचावता आ तार नखड़ा जी घबड़ावता, कि जब पहुआ में छनकत पायल बा आ दिल करत हमर घायल बा, कि तोरा पहुआ में छनकत पायल बा आ दिल करत हमर घायल बा, कि जाने के कर भगिया में तू लिखाइल बाड़ू हो, अभी जय के जिंदगी में तू समाइल बाड़ू हो, तो खोखिले तो रुक जाल रेले गोरी आ पंडितान खाती बनल के जेले गोरी, कि हम तो खोखिले तो रुक जाल रेले गोरी पंडितान खाती बनल के जेले गोरी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आशुतोष सिंह और हम अभी आए हैं एक स्टूडियो में जो कि टारी बाजार में उपस्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विजय मिश्रा जी जो कि आर्मी सेना में अपना उपस्थिति दर्ज करते हुए, आर्मी सेना में अपना देश की रक्षा करते हुए भी यहाँ पर देख सकते हैं कि भोजपुरी समाज के लिए जो अश्लीलता जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हो चुका है, एक तरह से देखे तो पूरा फिल्मी इंडस्ट्री देख सकते हैं, तो आजकल देख सकते हैं इतना अश्लील अश्लील गाना गाया जाता है, ऐसे ऐसे जो कलाकार हैं देख सकते हैं कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जो कुछ मतलब कि रोजगार ना मिलने के कारण बहुत से बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि अश्लीलता मतलब कि ला दिए हैं, अश्लीलता मतलब कि बिहार में देख ले कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में मतलब अश्लीलता पूरा भर दिया गया है। एक ही टॉपिक चलता है, आप टॉपिक समझ सकते हैं वो कौन सा टॉपिक है जिसपे पूरा भोजपुरी मतलब चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पे एक देश की सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए, देश में मतलब कि एक तरह से देख सकते हैं कि जो आइडियल कहा जाता है भारत की सेना को, आर्मी सेना को, उसमें अपना उपस्थिति दर्ज करते हुए भी भोजपुरी भाषा को भी बचाने का कार्य करते हैं। देख सकते हैं ये वो सिंगर हैं। सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज़ वाला 24 में आपका स्वागत है। बिल्कुल, सब श्रोता के नमस्कार प्रणाम। हम गायक विजय मिश्रा सबका गोड़ चुके गोड़ लगा तनी और रोवा चैनल के भी न्यूज़ वाला चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद कि इंटरव्यू लेता नहीं रुआ हमारा। भारत की जो सेना है देख सकते हैं कि एक तरह से अपना दुनिया में अपना वर्चस्व दिखा रही है, उसमें भी आप देश की रक्षा करते हुए भी भोजपुरी समाज को, भोजपुरी जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी अपना आइडियल एक तरह से देख सकते हैं, आइडियल गाना ला करके मतलब कि बचाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा है कि हम मतलब देश का सुरक्षा तो हमारा प्रथम कर्म है और धर्म है, लेकिन इसके बाद भी बावजूद हम देखते हैं कि हमारे भोजपुरी में बहुत सारा अश्लील गीत आता है और ये सब ऐसे जिसको मन करता है वही सिंगर बन जाता है, जिसको हारमोनियम का सुर का ज्ञान नहीं है वही गाने लगता है और जो मर्जी वो चल रहा है, तो ये सब देख के हमको अच्छा नहीं लगता है। बाहर भी कहीं रहते हैं तो वहाँ सुन के अच्छा नहीं लगता है, लोग अच्छी नहीं अच्छा बात नहीं बोलते हैं तो थोड़ा दिल को दुख पहुँचता है, इसलिए हम चाहते हैं कि भोजपुरी जो भाषा है इसको थोड़ा जो पहले था वैसा किया जाए, बहुत सुधारने की जरूरत है भोजपुरी भाषा को, इस अश्लील गीत को खत्म किया जाए और सलील गीत गाया जाए जिससे कि अपना आने वाला जो समाज है, जो अभी जनरेशन जो चल रहा है, इसके बाद भी जनरेशन आएगा तो इस सब पर असर ना पड़े इसका। अच्छा, देख सकते हैं आप कितने दिनों से मतलब कि देश की सेवा कर रहे हैं, कितने दिनों से मतलब आर्मी सेना मतलब ज्वाइन किए हैं? मुझे तो 6 साल हो गया, 6-7 साल से मैं आर्मी सेना ज्वाइन किया हूँ और 2017 से ही मैं कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ और देश की रक्षा कर रहा हूँ। और मैं गाना भी लगभग नौकरी के पहले भी गाता था लेकिन मैं ऐसे एल्बम नहीं करता था, लेकिन अभी मैं 2019-20 से एल्बम करना शुरू किया हूँ। अच्छा, भारतीय सेना को देख ले कि वो एक तरह से कि आइडियल
वो अनुशासन के लिए ही जाना जाता है, जो कि भारत की जो सेना है उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक जॉब कर रहे हैं तो दूसरा जॉब नहीं कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि भोजपुरी जो भाषा है उसको बचाने का कार्य भी करते हैं, तो इससे कोई मतलब कि आपके नौकरी पे कोई मतलब टॉर्चर मतलब कोई कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप अगर दूसरे का नुकसान कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको डबल इनकम है तो फिर आपको दिक्कत है। लेकिन हमारा जो काम है, हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे हमको उसमें दिक्कत आएगी। हम तो अपना काम करते हैं, साथ साथ देश की रक्षा करते हैं, और गाना तो जिसको रुचि है संगीत में तो कर सकता है, इसमें कोई किसी का रोक टोक नहीं रहता है। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको जहाँ तक कि बढ़ावा दिया जाता है, और हम लोग का भी वहाँ प्रोग्राम होता है, उसमें भी हम लोग प्रोग्राम देते हैं। तो संगीत करना कहीं भी ऐसा नहीं है कि इलीगल है, ये संगीत किसी को आता है अगर कोई गा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम आर्मी से मतलब कि हट जाते हैं, ये मुद्दा मतलब कि आपके नौकरी को मतलब नौकरी पे खतरा आ सकता है, क्योंकि ये जो सेना है मतलब कि अपने देश की सुरक्षा के लिए ही जाना जाता है। लेकिन हम आएंगे सीधा मतलब कि अपने मुद्दा पे, आप मतलब कि आपका वो कौन सा गाना था सबसे पहला जिसके लिए मतलब आप चर्चा में आए, जिससे आप मतलब कि वायरल हुए? देखिए, सबसे पहले मेरा जो गाना वायरल हुआ उसका नाम था बबुआन का गाना था, जजमान हुए पूरा बबुआन। ये गाना अभी एक साल पहले आया था और 10 दिन के अंदर 1 मिलियन क्रॉस कर गया था। अच्छा, ये गाना और अभी भी चल रहा है गाना। अच्छा, वो गाना थोड़ा सा गा के मेरे दर्शकों को सुनाइए थोड़ा सा। बिल्कुल, वो गाना मैं अभी सुना रहा हूँ कि बबुआन हुए पूरा जजमान, लुटा जैबू कह देम त गोरी सरयाम, हा जजमान हुए पूरा बबुआन, लुटा जैबू कह देम त गोरी सरयाम, कि जब मुस्की मारेलू करे जा हमरो काढ़ेलू, आ कनखी से देखेलू त मन बिगाड़ेलू, कि तार सूरत मन ललचावता आ तार नखड़ा जी घबड़ावता, कि जब पहुआ में छनकत पायल बा दिल करत हमर घायल बा, कि तोरा पहुआ में छनकत पायल बा, दिल करत हमर घायल बा, कि जाने के करा भगिया में तू लिखाइल बाड़ू हो, अभी जय के जिंदगी में तू समाइल बाड़ू हो। सकते हैं कि ये इनका गाना था जो कि बबुआन पे बना हुआ है, बबुआन पे एक साल पहले मतलब कि ये गाना चला था, उस समय आपने सुना भी होगा क्योंकि 10 दिनों के अंदर इनका मिलियन क्रश कर गया था, अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी देख सकते हैं हाल फिलहाल में अभी भारत में देख लें तो हिंदू धर्म का देख ले तो होली एक पर्व होता है जिसे कि धूमधाम से मनाया जाता है। अभी सरस्वती पूजा का मतलब कि एक दो दिन हुआ मतलब बीता ही है, अभी इसमें अभी कौन सा गाना लाए थे अभी? बिल्कुल, अभी होली का गाना अभी हमारा शूट होने वाला, अभी शूट हुआ नहीं है, तो होली का गाना जैसे आएगा फिर मैं अपने दर्शकों को भी बताऊंगा और आपके इंटरव्यू के माध्यम से भी मैं बताऊंगा। अभी होली का कल एक गाना मैं इसी गाने को गाया हूँ कि बबुआन होले पूरा रंगदार, रंगा जैबू होलिया में गोरी तू आज, हो बबुआन होले पूरा रंगदार, रंगा जैबू होलिया में गोरी तू आज, ऐसे करके गाना है। अभी कल ही रिकॉर्ड हुआ है नव्या म्यूजिक से और 2-4 दिन में आप लोगों के सामने आ जाएगा। देख सकते हैं इनके जो स्वर में, इनके जो गला में, इनके जो एक तरह से देख सकते हैं कि साक्षात सरस्वती बस चुकी हैं। लेकिन हम इस बात पे अभी मतलब कि एक क्वेश्चन इनसे पूछेंगे कि इनका एक फर्स्ट गाना था जो कि ट्रेंड किया था वो भी बबुआन पे, और होली का जो आया वो भी बबुआन पे, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पंडित जी एक तरह से देख लें तो फिर बबुआन पे ही केवल गाना लाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बबुआन पे भी है, पंडितान पे भी है, पासवान पे, सब जाति पे, जैसा गाना हमको मिलता है जो गाना का लाइन हमको अच्छा लगता है वो गाना गा देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज मतलब कि ये जातिवाद पे कब तक टीका रहेगा? जातिवाद तो देखिए भोजपुरी में कब तक टीका रहने की बात नहीं है, जातिवाद तो बिहार यूपी से खत्म तब होगा जब राजनीति में खत्म होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ आपके भोजपुरी में गायन से खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए तो अभी सबसे पहले सबको सुधरने की जरूरत है, उसके बाद संगीत में जातिवाद को खत्म करने का। ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई पंडितान बबुआन गा रहा है तो उससे कोई नुकसान तो हमको नहीं दिख रहा है।
अच्छा अभी मतलब कि आप मतलब कि आपका जो वीडियो भी आता है, हालांकि या कह लो कि ऑडियो आता है, वीडियो ऑडियो दोनों आता है, और हर जो गाना मैं करता हूँ ऑडियो और वीडियो साथ में ही रिलीज। अच्छा आपका पर्सनल कौन कौन सा चैनल है, मेरे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मेरा पर्सनल चैनल बीपी मिश्रा सॉन्ग के नाम से चैनल है, और एक विजय मिश्रा के नाम से चैनल है, दो चैनल चलता है मेरे नाम से, और विजय मिश्रा के नाम से फेसबुक पेज है जो कि उसपे भी गाना देख सकते हैं। आपको अगर इनका गाना लगा हो, अच्छा लगा हो, इनका स्वर अच्छा लगा हो, तो इनके दोनों चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उस पर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक का भी लिंक डाल देंगे, आप फॉलो कर लीजिएगा। एक बार सुन के इनका गाना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गाना किस प्रकार से है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे कि होली का जो गाना आएगा जी जी, उसमें भी भगवान का है, इसके पहले भी भगवान का था, तो विवाद होता है कि नहीं सोशल मीडिया पे? जैसे देख सकते एक ही प्रकार के, एक ही जातिवाद का गाना जब आता है, तो जैसे देखिए यादव जी हो गए, पंडित जी हो गए, मतलब कि कमेंट अलग अलग प्रकार से आता है, मतलब विवाद होता है? कमेंट आता है, लेकिन मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है कि जिसपे मैं भगवान के लिए भी गा रहा हूँ, पासवान के लिए भी गा रहा हूँ, यादव जी के लिए भी गा रहा हूँ, पंडितान के लिए भी गा रहा हूँ, तो मिला जुला के सब लोग हमारा सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर है जी, बिल्कुल। अच्छा एक और गाना सुनाए जो कि मतलब कि आपके अनुसार सबसे जो अच्छा लगता हो। एक गाना मेरा था, मैं खुद ही लिखा था उस गाने को, अभी मैं पिछली बार आया था छुट्टी, तो उसको रिकॉर्ड किया था, वो भी गाना अच्छा 90,000 या 99,000 के आसपास चला हुआ है। कि जाने के करा भगिया में तू लिखाइल बड़ू हो, अभी जय के जिंदगी में तू समाइल बड़ू हो। ये इनका गाना था जो कि आप सैड सॉन्ग के भी आशिक हैं, तो देख सकते हैं गाना, ये मतलब कि इन्हीं के नाम पे गाना है, और देख सकते हैं कि नव्या म्यूजिक से इनका जो होली में जो गाना आने वाला है वो मतलब कब तक रिलीज हो जाएगा दर्शकों के लिए? नव्या म्यूजिक से रिकॉर्ड हुआ है वो गाना, वो एक दो दिन में रिलीज हो जाएगा, और बाकी सारा जो गाना है मैं लगभग 5-6 दिन में वो गाना शूट होगा और रिलीज हो जाएगा। अच्छा कितने गाना आप होली में ला रहे हैं दर्शकों के लिए? लगभग होली में मेरा 5-6 गाना आ रहा है, और टोटल गाना मेरा 20 सॉन्ग्स वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा देख सकते हैं कि होता है कि एक सुपर हिट होता है, एक मतलब कि देख लो कि भोजपुरी में जो ब्लास्ट जिसको बोलते हैं, वो अभी आपका गाना गया है कि नहीं? कभी भोजपुरी में ब्लास्ट मेरा बबुआ नहीं रहा है, ज्यादा से ज्यादा चला, और बाकी गाना सब कोई भी गाना मेरा जैसे डलता है उस हिसाब से 1-2 लाख ऐसे चलते रहता है। देख सकते हैं ये इनका गाना था, मतलब कि आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे भी है जो कि देश की सेवा करते हुए, देश का रक्षा करते हुए, मतलब अपना योगदान भोजपुरी भाषा को बचाने के लिए कर सकते हैं। इनका एक तरह से देख ले तो इनसे गाना गा के मतलब कोई पैसा कमाने का मतलब उम्मीद नहीं है, और कोई पैसा कमाने का मतलब मकसद नहीं है। देख सकते हैं इनको, मतलब आने वाले दिन में एक तरह से कह सकते हैं कि आर्मी वाला सिंगर। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनका गाना देखे, कमेंट बॉक्स में बताएं किस प्रकार से गाना था, अच्छा लगे तो इनका भी गाना मतलब कि सुने, सब्सक्राइब कर लें इनके चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो कर लें।